तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी अंदर से मिले हुए हैं, क्योंकि हमारे मुस्लिम गरीब अल्पसंख्यक सबको गुमराह करने का काम करते हैं। मैं पूरी दमदारी से चुनाव लड़ रहा हूँ आप सबके माध्यम से। मैं चाहे मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी राजधानी हो, चाहे कांग्रेस की प्रत्याशी पूनिया जी हो, मैं दोनों को हराने का काम करूंगा। मैं बाराबंकी जिले से अनभिज्ञ नहीं हूँ। हमने हर विधानसभा के लगभग हर ग्राम सभा स्तर तक हम घूमे हैं और हमें अपने लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। हमें गरीब मजदूर पिछड़े और बेरोजगार भाइयों का हमें पूर्ण सहयोग मिल रहा है। बाराबंकी में बसपा भी चुनाव लड़ रही है, उसके उम्मीदवार एसके दोहरे साहब हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि बाराबंकी में जो चुनाव हो रहे हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी क्या तैयारियां हैं। दोहरे साहब, बड़ा इम्पोर्टेंट चुनाव है, जो विपक्षी दलों के दावे हैं कि ये संविधान बचाने का चुनाव है, वोट का अधिकार बचाने का चुनाव है, इस महत्वपूर्ण चुनाव को जीतने के लिए आप क्या क्या रोड मैप है बाराबंकी के अंदर? बाराबंकी में हमें बहन कुमारी मायावती जी ने इस आशा और विश्वास के साथ भेजा कि यहाँ का हमें एक एक वोटर सपोर्टर पूर्ण रूप से अपना मत और सहयोग देकर जिताकर ऐसे सांसद बनाकर भेजने का काम करेगा। और हम पर भी भरोसा बहन जी ने किया कि हम तमाम जो हमारे विरोधी, चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हो, जिनके पास पूंजीपतियों के द्वारा दिए गए चंदे से अनाप शनाप पैसा है, हम उनसे डरेंगे नहीं, उनके बहकावे में नहीं आएंगे, लालच में नहीं फंसेंगे, मुकाबला डटकर करेंगे। ऐसा बहन जी ने हम पर भरोसा करके आप सबके बीच भेजा है। क्या मतलब मुद्दे हैं बाराबंकी के? क्योंकि आपके ऊपर आरोप ये लग रहा है कि बाराबंकी को आप उतना नहीं समझते हैं क्योंकि आप बाराबंकी से नहीं हैं, तो क्या मुद्दे हैं और क्या आपने तय किया है कि बाराबंकी से जीतने के बाद वो काम आप करेंगे? देखिए, मैं बाराबंकी जिले से अनभिज्ञ नहीं हूँ। हमने हर विधानसभा के लगभग हर ग्राम सभा स्तर तक हम घूमे हैं। इससे पहले भी हम 25 साल से राजनीति में हैं और हम विभिन्न पदों पर बहन कुमारी मायावती जी ने हमको रखा और मैंने काम किया। मैं प्रदेश कोऑर्डिनेटर का समाज से रहा, तो लगभग उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा में काम किया, उसी के तहत बाराबंकी में भी काम किया, तो पूरे सब जगहों से वाकिफ हैं। यहाँ मैं देख रहा हूँ सड़कें टूटी हुई हैं, नाली खड़ंजे गांव में नहीं है, अन्य विकास के काम नहीं है। तो मैं जीतने के बाद अपने तमाम गरीबों और जो असहाय लोग हैं, जो तमाम साधनों से विहीन है, संविधान की व्यवस्था के अनुसार उन सारे कामों को कराने का प्रयास करूंगा। और विशेष रूप से एक काम हम मैं बता रहा हूँ कि जो यहाँ पर दोहरी शिक्षा नीति है, एक गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चा सरकारी स्कूल में जाता है जहाँ पर ना तो बिजली है, ना तो कंप्यूटर है, ना तो पढ़ाने वाले मास्टर सही से हैं, और दूसरी तरफ अमीरों के बच्चे, पूंजीपतियों के बच्चे एक एयर कंडीशन स्कूल में जाते हैं, लाइट है, कंप्यूटर है, पढ़ाने वाले अच्छे लोग हैं। और इस तरह से मोदी जी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, मोदी जी इन गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं? ये एक जैसी शिक्षा लागू कराने का काम करेंगे जिससे गरीब का, मजदूर का बेटा उसी तरह की शिक्षा पाए, अमीर और पूंजीपति का भी बेटा उसी तरह की शिक्षा पाए, दोनों एक साथ पढ़े, एक जैसी किताबें और सिलेबस हो, फिर उसके बाद आप कंपटीशन करा लीजिए, फिर देखिए हमारे गरीब मजदूर का बच्चा दौड़ में आगे निकलकर नौकरियों आदि में जाता है कि नहीं। और जब हमारे साधन भी इन लोग हैं, उनके पास कोई सुविधा नहीं है,
तो कैसे होगा? माननीय मोदी जी उन पूंजीपतियों के लिए ही काम करते हैं, गरीब और निशाय लोगों के लिए बहुत कम काम करते हैं। बारह आप प्रदेश स्तर पे काम किए हैं, बीएसपी में कोऑर्डिनेटर रहे हैं कई जिलों के। बाराबंकी एक मतलब बसपा का गढ़ हुआ करता था, 2007 में 5 या 6 उसके विधायक थे, 2004 में सांसद बाराबंकी से था। लेकिन वक्त गुजरते गुजरते जब 2024 में आप पहुंच रहे हैं, तो बाराबंकी में आज की हालत ये है कि आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लग गया है कि आप वोट कटुआ की तरह चुनाव यहाँ पे लड़ रहे हैं, तो ये छवि क्यों बनी और इससे निकलने के लिए आपके पास क्या तैयारी? देखिए, जो लोग इस तरह की धारणा रख के और दुष्प्रचार कर रहे हैं, ये कहना गलत है। मैं पूरी दमदारी से चुनाव लड़ रहा हूँ। आप सबके माध्यम से मैं, चाहे मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी राजरानी हो, चाहे कांग्रेस की प्रत्याशी पूनिया जी हो, मैं दोनों को हराने का काम करूँगा। और साथियों, ये जो दोनों पार्टियों के प्रत्याशी है, ये पूंजीपतियों के द्वारा दिए गए चंदे से पूरे माहौल को खराब किए हुए हैं, हमारे गरीब लोगों, जनता के लोगों को लालच दे रहे हैं। कई माताओं बहनों से कह रहे हैं बिछिया ले लो, साड़ी ले लो, हमारे भाइयों को कई दारू इसी तरह का प्रलोभन देकर कह रहे हैं कि हमको वोट दो, मैं विकास करूंगा। और साथियों, मैं आप सबके सहयोग से बहुजन समाज पार्टी से लड़ रहा हूँ। बहुजन समाज पार्टी को किसी पूंजीपत ने एक भी रुपया चंदा नहीं दिया, बल्कि आम लोगों के, हमारे जो गरीब भाई है, 200-200 रुपए चंदा देते हैं पार्टी को, उसी से पार्टी चलती है। और आपने देखा होगा कि पूंजीपतियों ने सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को इलेक्ट्रिक बांड के जरिए चंदा दिया, उसके बाद कांग्रेस पार्टी को चंदा दिया, उसके बाद समाजवादी पार्टी को चंदा दिया। आप लोग बताएं, अपने आपके चैनल से माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि बीएसपी को एक भी रुपया किसी पूंजीपत ने दिया? और इसीलिए माननीय मोदी जी उन पूंजीपतियों के लिए ही काम करते हैं, क्योंकि इतना पैसा लेते हैं चुनाव में और उनको उनके लिए ही योजनाएं बनाते हैं, किसी गरीब के लिए कोई योजना नहीं बनाते हैं। पूरे देश में कोई विकास नहीं हो रहा है, सिर्फ आम जनता को 5 किलो का राशन दे के और कहते भाइयों बहनों मैंने 5 किलो राशन दे रहा हूँ, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा हूँ साथियों, और कहते विकास कर रहा है भारत। जब 80 करोड़ लोग भूखों मरने की स्थिति में है, ना जी सकते ना मर सकते, इसको माननीय मोदी जी विकास कहते हैं, तो मैं तो कहूंगा माननीय मोदी जी को चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए डूब कर, क्योंकि 80 करोड़ लोग यहाँ पर भूखों मर रहे हैं, ना जी सकते ना मर सकते, अपने बाल बच्चों कैसे उद्धार कर सकते हैं। मैं इसी के साथ ये बात, कितना संतुष्ट हैं आप जो यहाँ का बीएसपी का संगठन है, क्योंकि आप हैं तो बाहर के लेकिन देख रहे हैं संगठन को, अब देखा और जाना होगा, कितना आश्वस्त हैं कि उस संगठन के बलबूते पर आप चुनाव जीतेंगे? देखिए, मैं बाहर का नहीं हूँ, इस बाराबंकी से लगा लखनऊ में हमारा आवास है, मैं यहाँ 25 सालों से रह रहा हूँ, एक दूसरे संपर्क है, यहाँ भी कार्यकर्ताओं से पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ हूँ, और हमें अपने लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। हमें गरीब, मजदूर, पिछड़े और बेरोजगार भाइयों का हमें पूर्ण सहयोग मिल रहा है। जो लोग हमको रात के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे इकट्ठे होकर हमारी बात सुनते हैं, हमें समर्थन देने की बात करते हैं, तो उनका लगाव मेरे साथ है। यहाँ की जनता बदलाव चाहती है और निश्चित ही हम यहाँ से जीत कर जाएंगे, और जब हम जीत के जाएंगे और ये सीट जो है बहन कुमारी मायावती की झोली में डालेंगे, तो बहन कुमारी मायावती जी इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी। और जो माननीय मोदी जी ने युवाओं के लिए कहा था कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा, नौकरियां दूंगा, साथियों किसी को नौकरी नहीं दी, बल्कि इन्होंने सारे विभाग पूंजीपतियों को भेज दिए, चाहे BSNL हो, कोयला हो, रेल हो, तेल हो, और एयरपोर्ट तो 50 साल के लिए भेज दिया, जबकि जनता ने इन्हें 5 साल से धोखे से दे दिया, धोखा वो भी छल करने का काम किया। इन्होंने कहा था माननीय मोदी जी ने कि भाइयों बहनों हमको वोट दो और मैं आपके खाते में 15-15 लाख रुपया भेजूंगा और सारा काला धन विदेशों से वापस आऊंगा।
मैं आपके चैनल से माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या माननीय मोदी जी ने 15-15 लाख किसी भाई बहन के खाते में डाला? नहीं डाला। इसलिए डाला क्यों? कि वो किसी हमारे और आपका पैसा नहीं था, वो उन्हीं जो सरकार में आज लूट रहे हैं उन्हीं का पैसा है। जो इससे पहले सरकार कांग्रेस की चल रही थी उनका पैसा है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक सांपनाथ एक नाथनाथ गरीब मजदूर पिछड़े को ठगने का काम कर रहे हैं, डसने का काम कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे। पूंजीपतियों से पैसा लेकर और पूंजीपतियों के लिए काम करते, उनसे पैसा लेकर चुनाव में जीतने के लिए षड्यंत्र रचते हैं। एक बड़ा आरोप जब भी चुनाव होता है या चुनाव से पहले भी बीएसपी पे ये लगता है कि वो बीजेपी की भी टीम है। इसका करने के पीछे का मकसद ये होता है कि जो अल्पसंख्यक वोट है वो आपसे दूर हो जाए। बाराबंकी में अल्पसंख्यक वोट अच्छी खासी तादाद में है और वही प्रोपोगेंडा फिर है, तो कैसे आप उस तबके का वोट हासिल करने के लिए ये जो धब्बा है इसको मिटा रहे हैं? देखिए भाई, आपके चैनल से माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जो इस तरह की झूठी अफवाह फैला रहे हैं, क्योंकि ये भी पूंजीपतियों से पैसा लेकर इस तरह कर रहे हैं। दूसरा ये कहना मैं चाहता हूँ कि माननीय अखिलेश जी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी और माननीय योगी जी की वार्ता होते हुए बिस्कुट बनते हुए आप देखेंगे, और माननीय उनके चाचा जी शिवपाल जी यादव के साथ भी बीजेपी की सांठगांठ है और योगी जी से वार्ता और मिलन है। ये दोनों भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी अंदर से मिले हुए हैं, क्योंकि हमारे मुस्लिम गरीब अल्पसंख्यक सबको गुमराह करने का काम करते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करते हैं, अंधविश्वास फैलाने का काम करते हैं, जिससे कि मतदाता भटक जाए और सही व्यक्ति को निर्वाचित करे, ऐसा दोनों मिलकर षड्यंत्र करते हैं और अफवाह फैलाने का काम करते हैं। आपकी बार इनका षड्यंत्र काम नहीं करेगा और ये कहना गलत है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी खुद मिली हुई है, भी टीम है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी है और हमारे मुस्लिम भाइयों को गुमराह करने का काम करते हैं, लेकिन अपनी बार हमारे अल्पसंख्यक मुस्लिम भाई गुमराह नहीं होंगे और हमको पूर्ण समर्थन दे रहे हैं और मैं जीत कर जाऊंगा। आखिरी सवाल ये है कि जो सपा और कांग्रेस का गठबंधन है और जो एनडीए है उन्हीं के बीच लड़ाई मानी जा रही है, इन दोनों गठबंधनों के बीच में आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? देखिए भाई, जिस गठबंधन की बात करते हैं, कहाँ का गठबंधन है, जिस पार्टी के साथ गठबंधन है समाजवादी पार्टी का, तो कांग्रेस के साथ, कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश में मर चुकी है, उसका कोई जनाधार नहीं है। और साथियों, रही बात गठबंधन किससे, समाजवादी, इसके अलावा कौन है? ममता जी है, उनका कौन सा वोट है? यहाँ लालू यादव और तेजस्वी यादव का साथ गठबंधन है, वो समाजवादी पार्टी के रिश्तेदार आपस में है। कौन सा यहाँ पर वोट है? केजरीवाल जी का कौन सा, उनको गठबंधन को वोट मिल रहा है? और तमाम दल जो दिखाते हैं गठबंधन, किसी दल का आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में क्या जनाधार है। सिर्फ ये बहकाने की बात है, सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं कि गठबंधन कौन सा गठबंधन है। मरी हुई कांग्रेस को समाजवादी पार्टी के लोग, जिनका वोट का प्रतिशत 8% है यादव समाज का, कितना जिंदा करके आगे करेंगे? सिर्फ माननीय पूनिया जी ने अनाप शनाप पैसा कमाया है, माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने इनको प्रमुख सचिव बनाया था और भी है, और कांग्रेस पार्टी को जो पूंजीपतियों से इलेक्ट्रिक बांड के जरिए पैसा मिला, तो इन्हें बहुत बड़ी तादाद में पैसा यहाँ दिया गया, तो ये अपने दलालों को हमारे लोगों के बीच भेज रहे हैं, पैसा देकर लालच दे रहे हैं, बहका रहे हैं और कह रहे हैं भाई गठबंधन को दो वोट, गठबंधन को दो, आप खराब ना करो। इस तरह से रोना रो के समाज को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन उनका ये षड्यंत्र काम नहीं करेगा। हमको सर्व समाज के लोगों का, गरीबों का, अल्पसंख्यक का, सबका हमको सपोर्ट मिल रहा है और मैं सबके सहयोग से जीत कर जाऊंगा और जो भी व्यवस्था होगी संविधान के अनुसार पूरे बाराबंकी क्षेत्र में विकास करके दिखाऊंगा, ऐसा मेरा सपना। आप कह रहे कांग्रेस मरी है जबकि विधायक आपसे उनके कम है। देखिए,
कांग्रेस विधायक का मैं ये सांसदी का चुनाव है, ये सांसदी का चुनाव है। यहाँ पर हमारे 10 सांसद थे, समाजवादी पार्टी के 5 सांसद थे, कांग्रेस के कितना थे। तो ये आपकी स्थिति सामने है, खाली बहकावे। अब आज मीडिया की हम अपने मीडिया भाइयों से कहेंगे कि आप देखती है पक्षपात पूर्ण से, वो भी कहीं ना कहीं जो सहयोग भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को पूंजीपतियों से मिला है, बहुत बड़ी मात्रा में हमारे पत्रकार भाइयों को भी वहां से उपलब्ध हो रहा, जिस कारण से सिर्फ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को दिखाते हैं और बहुजन समाज पार्टी तो गरीब पार्टी है। आप सबके सहयोग से 200 रुपए चंदे से पार्टी चलती है, तो हम अपने पत्रकार साथियों को हम उस तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं करा पा रहे, जिस कारण से हमारे साथी हमको कहीं लड़ाई में दिखाते नहीं है और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को चाहे टीवी के चैनल हो या पत्रकार हो, सभी साथी ऐसे कर रहे हैं। लेकिन उसमें भी जो गरीब पीड़ित हमारे पत्रकार साथी हैं वो हमको बराबर सहयोग कर रहे हैं, हमें पूरी उन पर उम्मीद है कि हमारी बात को आगे पहुंचाकर और जनता के बीच हम सफल होंगे। तो ये इसके दोहरे साहब हैं, कई दावे हैं, हालांकि जो स्थिति है लोग समझ रहे हैं, लेकिन दावा यही है कि वो एक बार फिर यहाँ से जीतेंगे। कई आरोप उन्होंने कांग्रेस पे लगाए हैं, मीडिया को भी उन्होंने लगाया है। अब देखना ये है कि 4 जून को क्या नतीजा होता है। उर्दू इन्फॉर्मर 12 बजे से बात करते हैं।